तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूँ प्रोमीत घोष और आज हम हैं यहाँ पे चेन्नई में, और आज जो गाड़ी हमारे साथ है ये है रेनो की ट्राइबर। तो मैं इसका आपको एक क्विक वॉक अराउंड दूंगा, तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है रेनो की ट्राइबर। आपको मैं इसका एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये गाड़ी कैसी दिखती है। काफ़ी अच्छी लुकिंग गाड़ी है दोस्तों, और वो जो आप गाड़ी वहाँ पे देख रहे हैं ये वही है, बट एक दूसरे शेड में है। ये वो ऑरेंज है, लेकिन ये ब्लू जो हमारे पास है ये इस पेंट स्कीम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन बे खोल के इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। तो ये है रेनो ट्राइबर का इंजन दोस्तों, और ये एक लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन, जो कि 72 bhp और 96 nm ऑफ टॉर्क निकालता है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बोचार्ज इंजन नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंजन बे में सब कुछ काफ़ी नीटली पैक है, जो कि ये पूरा आप देख लीजिए यहाँ पे बैटरी पैक, ये इनटेक, एयर इनटेक। तो ये है एक लीटर का एक पेट्रोल इंजन, और ये निकालता है 72 bhp और 96 nm ऑफ टॉर्क। तो ये बंद करते हैं इंजन में और आपको गाड़ी के फ्रंट एंड के बारे में बताता हूँ। तो ये दोस्तों, सबसे पहले तो आप चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसको मिलते हैं ये स्लीक लुकिंग हेडलैम्प क्लस्टर, जिसमें एक आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है यहाँ पे। ये हैलोजन है, ये LED नहीं है। आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग लाइट है। नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे बम्पर पे, तो नीचे आपको ये क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है, जिसके बीच में आपको ये DRL मिलता है, डेटा रनिंग लाइट, जो कि LED है। तो यहाँ पे नीचे LED सेक्शन है, ऊपर हैलोजन है, दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा ही लगता है। ये है इसका फ्रंट ग्रिल, इसमें काफ़ी क्रोम प्रेजेंट है, और एक बड़ा सा रेनो का लोगो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सिल्वर फिनिश के साथ ब्लू और ब्लैक एडिंग जो है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो आइए चलते हैं गाड़ी के साइड पे। सबसे पहली चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसके जो अलॉय व्हील्स हैं ये 15 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, और ये मशीन अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसका टायर का साइज़ 185/65/R15 है, और इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है जो कैडिंग है प्लास्टिक का। साइड से आप देखेंगे दोस्तों, तो साइड से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इस गाड़ी में। सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका जो रूफ़ है, अगर आप देख सकते हैं ये रूफ़ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि गाड़ी में काफ़ी हेडरूम है, और उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा जब मैं गाड़ी के इंटीरियर बता रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी ब्लैक कैडिंग मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है गाड़ी पर। यहाँ पे आपको एक RXZ का बैज मिल जाएगा, जो कि RXZ वेरिएंट है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको इस गाड़ी के बारे में और बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ दरवाजे पे आपको यहाँ पे ये ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं। अब ये जो ORVM है यहाँ पे बाहर, ये बॉडी कलर्ड ORVMs आपको मिलते हैं, बट इसका जो मिरर है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है अंदर से। लेकिन जो ये ORVM है, इसको आपको कहीं अगर आप जा रहे हैं पार्क करके, तो आपको मैनुअली इसको फोल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM नहीं मिलता है। आइए अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसको मिलता है एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप। तो आपको क्लच दबा के ये दबाना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए आपको ये चाबी मौजूद रहना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। ये चाबी काफ़ी कूल लुकिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक लॉक, ये इंटीरियर लाइट जलाने के लिए, और ये बूट खोलने के लिए है। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भी नया है, ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और इसका ऑडियो काफ़ी अच्छा है, तो आप जैसे सुन ही सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका ऑडियो सिस्टम है, और यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, मीडिया हो गया, ड्राइविंग इको। तो ये ड्राइविंग इको के बारे में आपको समझाता हूँ। तो इसको जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको गाड़ी का स्टेटस बताता है, आपका एक्सेलरेशन कैसा है, गियर शिफ्ट कैसा है, और आपको इको कोचिंग भी मिलती है यहाँ पे, जिसमें आपको बताता है कब गियर शिफ्ट करना है, कितना एक्सेलरेट करना है, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल सके गाड़ी में। ठीक उसके नीचे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें आप ये है फैन स्पीड, आप इससे फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ये बाहर की हवा के लिए जो डक्ट ओपन और क्लोज करते हैं, ये उसके लिए है। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये AC ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ से आप फैन का जो फ्लो है, आप पैरों में चाहते हैं या फिर विंडशील्ड पे चाहते हैं आगे, वैसा
तो ओवरऑल अगर देखें दोस्तों तो इसका जो ये डैशबोर्ड है ये काफी स्लीक लुकिंग है और काफी अच्छा है। ये डुअल टोन में है, इसकी ब्लैक और बेज में है और बीच में आपको ये सिल्वर की लाइन मिल जाती है जो कि एसी के वेंट के अलोंग रन करती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टैकोमीटर है ये भी डिजिटल है और जो यहाँ पे इसका टेम्परेचर गेज है वो भी डिजिटल है, फ्यूल गेज, और यहाँ पे आपको एक 3.5 mm की स्क्रीन मिलती है बीच में, MID स्क्रीन, उसको उसमें आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जैसे कि एवरेज हो गया, कितना डिस्टेंस चलिए, ट्रिप हो गया, डिस्टेंस टू MT, रेंज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये काफ़ी यूजफुल है, डिजिटल स्पीडोमीटर है वहाँ पे। अब बात करें स्टेयरिंग की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका स्टेयरिंग जो है काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा फ्लैट बॉटम है तो उसका स्पोर्टी फील देता है, स्पोर्टी लुक देता है। एयरबैग मौजूद है यहाँ पे रेनो का लोगो, हॉर्न थोड़ा सा कम है, उतना लाउड नहीं है हॉर्न, बट एनीवे यहाँ पे इसको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते, जो कि यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए था स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कम से कम वॉल्यूम और चैनल या फिर गाना चेंज करने के लिए होना ही चाहिए था। तो देख लीजिए ये स्टेयरिंग है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको एक एयरबैग मिल जाता है। तो एयरबैग के मामले में, सेफ्टी के मामले में यहाँ पे आपको एक एयरबैग मिलता है और आपको यहाँ पे एयरबैग मिलता है डैशबोर्ड पे जो कि पैसेंजर और ड्राइवर के लिए, प्लस आपको सीट्स पे एयरबैग मिलते हैं यहाँ पे साइड पे। तो ये कर्टन एयरबैग है जो कि 4 एयरबैग मौजूद है और काफ़ी अच्छी चीज़ है उसकी। और तो दोस्तों आप अगर बात करें जगह की तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट स्टॉप है, इसके ऊपर आपके पास जगह है, आप फोन रख सकते हैं, अपना वॉलेट रख सकते हैं, प्लस इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप 2 फोन वॉलेट वगैरह सब रख सकते हैं। यहाँ पर आपको USB चार्जर मिल जाता है या फिर एक USB पोर्ट और एक ऑक्स केबल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है जिससे आप स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे इसको आप सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। और स्पीकर बता दूँ आपको, इसमें 6 स्पीकर है दोस्तों, तो 6 स्पीकर जो है वो काफ़ी लाउड है, किसी भी गाने को प्ले करने के लिए बहुत लाउड है। और इसमें कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको, कप होल्डर्स डोर पे भी मिल जाएंगे आपको। और एक और कूल फीचर है इस गाड़ी का, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे कूलिंग नॉब लिखा है, कूलिंग पैड टाइप का चीज़ है, तो यहाँ पे आप अगर अपने ड्रिंक्स रख दें या बॉटल रख दें पानी की, यहाँ पे एक नॉब है उसको अगर ओपन कर देंगे तो वो नॉब से ठंडी हवा जो अंदर आएगी और जो भी चीज़ें रखी उसको चिल कर देगी, एकदम कूल कर देगी। और आप यहाँ पे देखिए, ये आप सुन सकते हैं यहाँ पे AC का फ्लो जो है वो बढ़ रहा है। तो ये जो है रेयर पैसेंजर के लिए, रेयर सीट के लिए, तो वो मैं आपको अभी पीछे जाके बताऊंगा। और तो और यहाँ पे आपको देख लीजिए, ये मैनुअल आपको बोला था 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स, इसका जो रिवर्स गियर है वो आगे की तरफ लगता है जो कि फर्स्ट गियर के साइड पर है, और इसको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा गाइडलाइंस के साथ जो कि काफ़ी क्लियर है। और आइए इसके बात करते हैं इसकी सीट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसका सीट भी डुअल टोन में प्रेजेंट है और काफ़ी सॉफ्ट है सीट्स, काफ़ी कुशनी है और कैसा भी राइडर उसको पूरा हक कर लेगा अच्छे से। यहाँ पे साइड में बोलस्ट्रिंग्स काफ़ी अच्छे हैं सीट के, और अंदर से अगर आप देखें मतलब गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग है। तो ये चलते हैं रेयर सीट पर जो कि सेकेंड रो है, तो ये देखिए ये है इसका सेकेंड रो, और आपको काफ़ी हेडरूम मिल जाता है यहाँ पे, सिंस इसका जो रूफ़ है यहाँ पे, जैसे मैं बताया था क्योंकि इसके अंदर जो है AC जो है थर्ड रो के लिए यहाँ पे AC वेंट भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और सेकेंड रो के लिए आपके पास बी पिलर में AC वेंट है। और ये जो नॉब है जो मैं बता रहा था यहाँ पे, ये नॉब जो है, ये नॉब इस AC को कंट्रोल करता है। तो अब आइए चलिए चलते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो को एडजस्ट करने के लिए आपको ये सेकंड रो वाली जो सीट है वो फोल्ड डाउन करना पड़ेगा। तो उसको फोल्ड डाउन करने के लिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप फोल्ड डाउन करिए, आगे कर दीजिए और आपको थर्ड रो में जाने की काफ़ी जगह मिल जाएगी। आप अगर उस साइड से भी जाना चाहते हैं तो उस साइड से सीट पूरी फोल्ड डाउन हो जाती है और उठ भी जाती है, और आप अगर थर्ड रो में बैठेंगे और आप अगर थर्ड रो में बैठना चाहते हैं तो काफ़ी ईजिली देख लीजिए आप किसी झिझक के आप आराम से बैठ जाते हैं। और सीट को फोल्ड करने के बाद भी, मतलब नीचे करने के बाद भी, सेकंड रो को जो थर्ड रो में पैसेंजर बैठा है उसके पास नी रूम, आप देखिए नी रूम के लिए जगह है थोड़ी बहुत, उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत लंबे पैसेंजर्स होंगे तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी लॉन्ग राइड पर क्योंकि क्रैम्प्ड अप होगा। तो ये था इसका सेकेंड रो। आइए अब चलते हैं इसके रेयर पे। तो आप देख सकते हैं इसको मिलता है ये स्लीक लुकिंग टेल लैम्प क्लस्टर जो कि आधा बॉडी में है और आधा इसके जो बूट में है। तो बूट की बात करते हैं तो आइए चलिए बूट खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका बूट, अब फिलहाल ये थर्ड रो है, इसको ये जब उठा हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है बहुत कम जगह है रखने के लिए, एक
ज़्यादा एक सूट के साथ आएगा या दो बैग्स आ जाएंगे। अगर आपको और स्पेस चाहिए यहाँ पे तो आप ये थर्ड रो फोल्ड डाउन कर सकते हो। उसको फोल्ड डाउन करने के लिए आपको ये नॉब जो है साइड में लगाए इसको उठाना पड़ेगा और उठा के नीचे गिराइए सीट। तो और ये सीट दो आपको निकालने के भी ऑप्शन है। तो ये जो ये स्ट्रैप दिए हुए हैं यहाँ पे इसको बस आप खींच लीजिए, खींचने के बाद ये सीट फोल्ड होके पूरी की पूरी निकल आएगी बाहर। तो जैसे ही ये सीट निकल आएगी आपको दोस्तों यहाँ पे 625 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि काफ़ी है 5 लोगों के लगेज के लिए ले जाना। अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं या कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो 625 लीटर काफ़ी होता है 5 लोगों का लगेज कैरी करने के लिए। और दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे एक ट्राइबर का बैजिंग और रेनो का बैजिंग, और उसके ठीक नीचे आपको मिलता है ये रिवर्स पार्किंग कैमरा और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स, रेनो का बैज और यहाँ पे एक एनर्जी का बैज। तो आपको यहाँ पे मिलता है ये सिल्वर का एक एक्सेंट जो कि रेयर बम्पर पे है, और ये जो सिल्वर ब्लू और जो ब्लैक का फिनिश है ये काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस पर आप लगेज कैरियर वगैरह माउंट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी रेनो की ट्राइबर, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं प्रोमीत साइन आउट करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक फॉर वॉचिंग।